वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। पार्ट थर्ड, बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एन। देखिए बी वाई एक्स डी कौन सा हुआ? ये जो एरिया है बी वाई एक्स डी, ये किसके बराबर है? ए बी एम एन, ए बी एम एन, ये जो एरिया है ये दोनों एरिया बराबर हैं, आपको सिद्ध करना है दिस एंड दिस। अभी आपने देखा था सेकंड के अंदर कि बी वाई एक्स डी का जो एरिया है ये कितना है, बी वाई एक्स डी इज लिखा है यहां पर, बी वाई एक्स डी इज टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी। ठीक है, ये जो एम बी सी है इसका जो एरिया है इसका डबल है बी एम बी वाई एक्स डी, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि बी एम सी जो, ये बी एम सी किसके ऊपर स्थित है? बेस एम बी सी पे। ठीक है, एम बी सी एंड स्क्वायर ए बी एम, ए बी एम एन का स्क्वायर है, इसका बेस क्या है? एम बी। ठीक है, एम बी जो है ये बेस है इसका ए बी एम एन, ए बी एम एन का ये बेस है, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसी बेस के ऊपर है ये कौन सा, एम बी सी, ये एम बी बेस और ये ट्राइंगल एम बी सी। तो ए बी एम एन और एम बी सी, एम बी सी क्या, ट्राइंगल, ट्राइंगल एम बी सी और ए बी एम एन जो ये वर्ग है स्क्वायर है, दोनों एक ही बेस पर है, एक ही बेस पर है और सेम पैरेलल्स के बीच में है। सेम पैरेलल्स कैसे, एम बी की पैरेलल कौन सी है, एन सी, एम बी की पैरेलल एन सी है, सो बोथ आर ऑन द सेम पैरेलल लाइन, इसलिए ए बी एम कितना हो गया, ये टू टाइम्स ऑफ एम बी सी हो गया। क्या, ए बी एम एन का जो स्क्वायर है इट इज टू टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एम बी सी, ये जो एम बी सी है इसका डबल हो गया ये। और आपको पता है कि बी वाई एक्स डी है ये टू टाइम्स ऑफ एम बी सी है, टू टाइम ऑफ एम बी सी, टू टाइम्स ऑफ एम बी सी, दो गुना है एम बी सी से, क्या है, बी वाई एक्स डी। ठीक है, बी वाई एक्स डी, बी वाई एक्स डी ये भी दो गुना है किसका, टू टाइम्स ऑफ एम बी सी, तो ये भी इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये इसके, ठीक है, कौन सा, ए बी एम एन इज इक्वल टू बी वाई एक्स डी। क्यों, ये भी टू टाइम्स ऑफ एम बी सी, ये भी टू टाइम्स ऑफ, यानी ये जो एरिया है ये इस एरिया के बराबर हो गया, ये इस पे पूछा है, बी वाई एक्स डी का एरिया ए बी एम एन के बराबर है। क्लियर हो गया सिद्ध? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।